हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, MCD PRT का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसके बाद काफ़ी ऐसे रिजल्ट हैं जो रह रहे हैं जिनका एग्ज़ाम MCD PRT से पहले हुआ था। जैसे हम बात करें NTT और अभी स्पेशल वाले हैं, उनका भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। TGT PGT इनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही इसके बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज से कुछ पता चलता है तो मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। तो जो मुझे अभी न्यूज़ मिली है वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से अभी न्यूज़ मिली है कि फैब तक रिजल्ट आ जाएंगे। बोला जा रहा है कि फैब के बाद, मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो मार्च तक भी जा सकते हैं। हालांकि पूरा क्लियर ये नहीं बताया कि कौन से रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक है TGT और PGT के, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि काफ़ी रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब एक दो दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट काफ़ी तैयार भी हैं जो अपलोड करने हैं। मोस्टली रिजल्ट तैयार हैं, आप ये समझें। कुछ पे अभी वर्क चल रहा है तो ये अपलोड धीरे धीरे हो रहे हैं। तो आप ये समझो कि फैब तक रिजल्ट आपका लगभग क्लियर हो जाएगा रिजल्ट का काम। और कुछ रिजल्ट हैं जो मार्च तक जा सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी गलत चीज़ है। जैसा कि DSSB ने बोला था कि फैब तक हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी मार्च तक की भी बात आ रही है कि मार्च तक भी रिजल्ट जा सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि पहले तो टारगेट ये होगा कि फैब के अंदर रिजल्ट पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हों। और अगर रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि फैब तक का टाइम उन्होंने मांगा है, फैब के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फैब के बाद हम कोई स्टेप जरूर लेंगे। और साथियों, इसके लिए आप सभी का साथ जरूरी है। और ये चैनल ऐसे नहीं है कि सिर्फ PRT के लिए, स्पेशल वाले हों, NTT वाले हों, TGT वाले हों, PGT वाले हों, आप सभी का सहयोग चाहिए। और आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होती रहेंगी। जैसा भी आप PRT में देख रहे हैं, PRT में काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं, काफ़ी ऐसे साथी हैं जो अगेंस्ट भी हो गए हैं, लेकिन उनसे मेरा पर्सनल ऐसा नहीं है कि कोई वो मेरे एनिमी हैं, सभी मेरे साथी हैं। तो ये DSSB ने कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी हैं जिनकी वजह से अभी ये सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन उम्मीद यही है, इसके बाद DOE का रिजल्ट भी आपको जल्दी ही मिल सकता है, जो आने वाला ये मंडे है, मतलब नेक्स्ट वीक है। इसमें आपको 2 से 4 रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि DSSB ने जैसे MCD PRT के लिए टाइम मांगा था कि मिड फैब तक रिजल्ट देंगे, लेकिन वो रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया उन्होंने, एकदम रिजल्ट आया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे रिजल्ट आएगा। तो साथियों, ये सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि फैब तक रिजल्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये थी अपडेट। और अगर कोई अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा। और कुछ ऐसे साथी हैं जो NTT स्पेशल वाले जो बोलते हैं कि हमारे बारे में विचार नहीं किया जाता, तो साथियों ये गलत है। ये चैनल सभी के लिए है। जितनी मुझसे अपडेट मिल पाती है मुझे, तो वो सारी अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूँ। नहीं मिलती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे अपडेट मिले। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर अपडेट मिलेगी मैं आपको तभी बता दूंगा। तो अपडेट अभी यही है और उम्मीद यही कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अच्छी हों। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।